हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हमारी परसेंटेज की बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज का ये फोर्थ एंड फाइनल पार्ट है और कुछ फ्रिक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन लिए हैं मैंने जो एग्जाम लेवल से बिल्कुल मैच करते हैं, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज है पूरी और इसमें ज्यादातर कॉन्सेप्ट वही लेने की कोशिश करिए जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं या जो जिसमें स्टूडेंट्स को डाउट होता है, ठीक। जैसे कि आपका आरआरबी स्केल वन हो गया, एसबीआईपी हो गया या आईबीपीएसपी होगा, ठीक है। प्री लेवल लगभग सेम रहता है तीनों का, मतलब ये है कि एसबीआई का थोड़ा हाई रहता है, आईबीपीएस और एसबीआई का थोड़ा हाई रहता है रिलेटिवली आरआरबी स्केल वन, ठीक है। मगर हमें उन सब चीजों में नहीं देखना है, हमें चीजें सीखनी है, समझ रहे हो ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ये मैं बता दूं, देखो देखो ये मैंने कुछ कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बताए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आप पार्ट वन देखेंगे, पार्ट टू देखेंगे और फिर पार्ट थ्री देखेंगे। पार्ट थ्री में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स लिए, पार्ट वन एंड पार्ट टू में हमने बेसिकली सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस लिए, ठीक। तो ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस है सब। अब वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस पहले आप खुद से अटेम्प्ट करिए, ठीक है। और उसके बाद मेरी अप्रोच देखिए कि मैं किस क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है मुझे, ठीक है। और अगर आपको बहुत ही बेसिक से सीखनी है सब चीजें, और बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज हमारी चल ही रही है, ठीक है। चलिए अब, अच्छा आप ये सोचोगे कि सर आपने ऑप्शन क्यों नहीं दिए। देखो इधर क्या है ना, कुछ चीजें कुछ मैं आपको इधर कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। जब मैं आपको सिखा रहा हूँ, जब हम मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे तब आपको प्रॉपर सब चीजें देंगे, ये ऑप्शन भी देंगे, है ना। यहाँ पे जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती है उसके लिए मैंने सब चीजें दे रखी है। एक बार आप वीडियो को देखो, अगर आपको चीजें अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो एंड डू टेल अस योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन अलाइन अवर सेशंस अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो लेट्स बिगिन दी सेशन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अ बाइसाइकिल इज सोल्ड एट 15% के, ठीक। इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर ₹20 मोर, 20% वुड हैड बीन गेन, यानी प्रॉफिट 1% कितना है, 15%। प्रॉफिट 2% कितना है, थोड़ा सा समझाते हुए करूंगा, ठीक है। यानी जब भी दोनों प्रॉफिट होते हैं तो डिफरेंस लेते हैं, यानी 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितना दोनों में डिफरेंस है यानी 20। सो वी कैन से 5% इक्वल्स टू 20। तो हमें करना क्या, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा याद रखिएगा आप लोग 100% होती है, ठीक है। तो यानी इसे मैं क्या करूं, दोनों तरफ इंटू 20 कर दूं, इधर भी क्या कर दूं इंटू 20, कितना हो जाएगा 25 से 100, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आरआरबी स्केल वन में, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20% एंड लेटर डिक्रीज बाय 25%, फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज। मैंने आपको हमेशा सीरीज के स्टार्टिंग में बोला था, मैं आपको कोई क्वेश्चन में कभी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको विदाउट फॉर्मूला बताऊंगा बेसिक से, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक। चलिए, इनिशियल वैल्यू हमेशा इस क्वेश्चन में क्या मानेंगे, 100, क्योंकि कोई डेफिनेट वैल्यू दी हुई नहीं है क्वेश्चन में, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, पहले इंक्रीमेंट हुआ 20% का, 20% आपको पता है 100 का कितना होता है सर, 20, यानी 120। उसके बाद डिक्रीमेंट हुआ 25%, 25% या माने 1/4, 1/4 यानी 30, यानी फाइनल वैल्यू कितनी हो गई सर, 90। यानी इनिशियल वैल्यू थी 100, फाइनल वैल्यू है 30, यानी मैं बोल सकता हूँ 10% का डिक्रीमेंट हुआ, बताइए क्लियर है। तो आपका आंसर हो गया 10% का चेंज जो हुआ डिक्रीमेंट हुआ। अब मैं आपको ये बता रहा था, नेट परसेंटेज चेंज का ना एक फॉर्मूला और होता है, ये जो कि आप में से लगभग सबको ही पता होगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। अगर वैल्यू इंक्रीज हुई है तो एक्स को पॉजिटिव लेना है, अगर वैल्यू डिक्रीज हुई है तो एक्स को नेगेटिव लेना है। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, प्लस 20 माइनस 25, अब इंटू करोगे यानी 20 इंटू 25 डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये आपका गया इससे 4 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स, 25 और 5 यानी प्लस 20 माइनस 30, आपकी वैल्यू आई -10%। ये वैल्यू हमेशा परसेंटेज में हमें मिलती है, यानी माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, वैल्यू आपकी डिक्रीज हुई है, और कितना डिक्रीज हुई है 10%, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका साइन है, ठीक। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्या क्वेश्चन है, सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्रीजेस 5% एवरी मंथ, इफ इट्स सैलरी इन मार्च इज इतना, देन व्हाट इज सैलरी इन द मंथ ऑफ जुलाई, अप्रोक्सीमेट सैलरी। अब ये क्वेश्चन लेन दिया, अगर मैं होता एग्जाम में स्टार्टिंग में इसे स्किप कर देता, ठीक है। लेकिन मैं आपको इधर मैं बता दूं कि क्या आप अप्रोच रख सकते थे इस क्वेश्चन की शॉर्ट में, ठीक है सर। मार्च में इनिशियल वैल्यू को 100 ही मानो, ठीक है, मार्च में सैलरी दी हुई है,
और यानी जुलाई में पूछिए, मार्च के बाद अप्रैल मई जून एंड जुलाई, क्लियर। 5 प्लस 5% का इंक्रीमेंट यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105। फिर प्लस 5% का इंक्रीमेंट, प्लस 5% का इंक्रीमेंट यानी अब कितना इंक्रीमेंट होगा, देखो 10% की वैल्यू देखो आप हमेशा आपको कितनी देखनी है, 10% की वैल्यू। 10% की वैल्यू निकालना आसान है, पीछे से एक डेसिमल लगा दो, यानी 10.5 का हाफ कर दो सर, कितना हो जाएगा, 10 का हाफ 5 और 5 का आधा 25, यानी 5.25, यानी जब प्लस करोगे कितना आएगा, 110.25। ये हो गई मई की सैलरी, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन हो जाएगा। फिर से 10% की वैल्यू देखो, 10% की वैल्यू 110.25, 5% की वैल्यू इसकी हाफ हो गई, यानी 10 का हाफ 5 और 1 का हाफ 0.5, यानी 5.5। जब आप इसमें प्लस करेंगे ना 5.5, ऐसे तो करना ही नहीं है माइंड में, 110 और 5, 115, 0.5 और 0.25, 0.75, यानी वैल्यू फाइनल कितनी होगी, 115.75 अप्रोक्स, बिकॉज वी हैव टू फाइंड अप्रोक्स वैल्यू नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। नेक्स्ट, फिर से आप कहेंगे सर सर प्लस 5% का इंक्रीमेंट है, बिल्कुल है, ठीक है। अब 5% कैसे निकालोगे, वही सेम अप्रोच रखनी है सर, 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 111.575। जैसे मैं आसानी के लिए 500 मान लेता हूँ, मान सकते हैं ना, बिल्कुल मान सकते हैं। तो 5% इसका आधा, भाई 11 का हाफ कितना था, 5.5, 0.5 का आधा यानी 5.75 मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि वही 500 का आधा कितना होगा, 0.25, 5.5 प्लस 0.25, 5.75। अब फिर से जब आप इसमें प्लस करोगे 5.75 कितना हो जाएगा, 121.5। यानी फाइनल वैल्यू अगर 100 है, तो अगर इनिशियल वैल्यू आपकी 100 है तो फाइनल वैल्यू कितनी आई, 121.5, ठीक है। अब आगे बताओ, अब तो तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन, तुरंत मतलब आप देखना आपकी कैलकुलेशन सुपर फास्ट करा दूंगा, मैं बता दूंगा कैलकुलेट करते कैसे हैं, ठीक है, बिल्कुल सिखा दूंगा, ठीक है। मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई 121.5 आई थी वैल्यू, ठीक है, हम बात कर रहे हैं जुलाई मंथ की सैलरी। अब 121 किसकी, इनिशियल वैल्यू की, यानी 7500 अपॉन 100। आप कहोगे कि सब मल्टीप्लाई करना बहुत टफ है, भाई सबसे आसान तो यही काम है, इसे ब्रेक नहीं कर पाओगे क्या, 120 प्लस 1.5 में कर सकते हो ना, इंटू 75 ही तो करना है। अब कर लो, 0 12 5 60, 12 7 84 and 6, 9000 प्लस 15 5 75, 15 7 जा कितना हो गया, 105 और 7 कैरी यानी 112 और 1 पॉइंट यानी 112.5, यानी फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 9112.5। बताओ, ये मैंने आपको थोड़ा समझाते हुए करा इसलिए मुझे इतना टाइम लगा, अदरवाइज काफी कम टाइम लगता, यानी टफ क्वेश्चन को भी आप देखो कितनी आसानी से कर दिया हमने, टफ क्वेश्चन को। और अगर मैं आपसे पूछूं स्टार्टिंग में से स्किप कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एन एग्जामिनेशन 30% स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी। जब भी ऐसे देखिए ना, आप डायरेक्टली माइंड में भी कर सकते हो, वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, जल्दी हो जाता है, हिंदी और इंग्लिश। 30% हिंदी में, 45% इन इंग्लिश, 45% इन इंग्लिश एंड 20% इन बोथ। अब हिंदी के निकाल लो ओनली कितना हो गया, 10%, ओनली इंग्लिश के निकाल लो कितना हो जाएगा, 25%। टोटल फेल निकाल लो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 20 45, यानी 55% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोस हु पास, तो पास कितने होंगे, 100 माइनस 55 कर दो, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कितना हो जाएगा सर, 45% पास हो। दूसरी अप्रोच और बता देते, हमेशा होता क्या, ए यूनियन बी देखते हैं, ए यूनियन बी मतलब टोटल, टोटल फेल कितने हुए हैं, हमने यहाँ पर भी तो यही देखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टूडेंट्स ऑफ ए प्लस स्टूडेंट्स ऑफ बी माइनस स्टूडेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जो दोनों बोथ, जो दोनों में फेल हुआ है। अगर मैं आपकी जगह होता तो पेन पेन भी यूज नहीं करता, मैं पता है क्या करता भाई, मैं क्या करता, इसे और इसे प्लस कर देता, कितना हो गया भाई, 30 प्लस 45, इन दोनों को प्लस करता कितना हो गया, 75, माइनस कर देता 20, माइनस करोगे जब 70 कितना आएगा, 55%। ये वो लोग हैं जो फेल हुए हैं, तो पास के लिए मैं क्या करूंगा, दोबारा से माइनस करूंगा, सो आंसर 45%। तरीके मैंने आपको समझा दिया है, जिससे कि आप पे 3 से 4 अप्रोच हो एग्जाम में,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ सीट्स इन एन ऑडिटोरियम इज इंक्रीज बाय 25%, द प्राइस ऑफ अ टिकट इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 12%, फाइंड द इंक्रीज इन रेवेन्यू। ओके, देखो रेवेन्यू अगर मैं आपसे पूछूंगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ सीट्स इंटू प्राइस पर टिकट, प्राइस पर टिकट यही होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं करना कैसे। देखिए जी, तो ये तो हमारी हो गई सीट्स इनिशियली, इधर हो गई इनिशियल वैल्यू, ये हो गई फाइनल वैल्यू। 25% की वैल्यू कितनी होती है अगर मैं आपसे पूछूं, 1/4। ठीक है, आप इनिशियल वैल्यू चलिए हटाओ, 100 मान लो, अगर ऐसे नहीं, अगर आपको ऐसे टफ लगता है, इससे भी बहुत कम टाइम में हो जाएगा, 100 इधर कितना हो जाएगा, 125। ये तो बात कर रहे हैं हम नंबर ऑफ सीट्स की। अब इसके बात करेंगे प्राइस पर टिकट, प्राइस पर टिकट कितनी हो जाएगी, पहले अगर इनिशियल 100 मान ली तो फाइनल वैल्यू कितनी होगी, 112। आपसे पूछा क्या, इंक्रीज इन रेवेन्यू, भाई रेवेन्यू बराबर क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। मैं कुछ कैंसिल कर दूं, 25 से 4 टाइम्स, 25 से 5 टाइम्स, वही आ गया, 5 से कैंसिल कर दो इसे, 20 टाइम्स, 4 से सर कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32 और कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनल 4 5 जा 20, 7 जा 2, 5 इज टू 7, इनिशियल वैल्यू 5 थी तो फाइनल वैल्यू इज 7, यानी कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 2 यूनिट्स का, 2 यूनिट्स ओवर इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितनी, 2/5, ये फ्रैक्शन है परसेंटेज में चेंज करने के लिए, इनटू 100 करूंगा, यानी कितना हो जाएगा, 5 से गया 20 टाइम्स, और वैसे पता होना चाहिए डायरेक्टली 40%। अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज में प्रॉब्लम है तो पार्ट 1 पार्ट 2 देखो, उसमें सब चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, तेजी से, ठीक है, उसका है कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, नो प्रॉब्लम, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज सच दैट इट गिव्स 20% प्रॉफिट, इफ इट इज सोल्ड एट 20% लेस द प्रॉफिट परसेंटेज इज 12%। अब मैं आगे बाद में पढ़ूंगा, ये प्रॉफिट P1, ये प्रॉफिट P2, दोनों में डिफरेंस कितना है, 8% का, और रुपीज में कितना अंतर है, रुपीज में कितना डिफरेंस है, 20 रुपीज का। ठीक, वॉट इज द सेलिंग प्राइस वेन इट इज सोल्ड एट 20%। मैंने आपको अभी बताया था सर, कॉस्ट प्राइस होता है 100% और सेलिंग प्राइस हो जाएगा जितना प्रॉफिट हो रहा है, यानी आपसे 120% की वैल्यू पूछी है तो डायरेक्टली 120% की वैल्यू निकाल लो भाई, 8% की वैल्यू इतनी है तो 1% की कितनी हुई, 20/8, और 120 की 20/8 इनटू 120, बताएं क्लियर है, 8 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा ये मेरा, 1 जा 5 जा, यानी वैल्यू कितनी हो गई, 300 इज योर आंसर, बताएं दिस इज योर सेलिंग प्राइस। आई होप आपको चीजें समझ में आई है, यही लेवल रहता है, देखो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे आया आपका 212.5%, इसे चेंज कैसे करना है, अगर आपको ये सीखना है तो इसे आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में सीख सकते हैं, पार्ट 3 और पार्ट 4 में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स लिए। अगर आप इसी तरीके की सीरीज देखना चाहते हैं फर्दर तो प्लीज कमेंट। सो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, और कमेंट देखो कैसे करना है, जैसे आंसर आया एक्स कॉमा 10 सेकेंड्स, यानी इस क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लगा, एक्स कॉमा, मगर जैसे आपको लग गया 20 सेकेंड्स, तो नो प्रॉब्लम, ईमानदारी से कमेंट करना है। ठीक है, उसी को तो मुझे इम्प्रूव करना है भाई, ये एग्जाम नहीं है, ठीक है, हमें तो सुधारना है। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, ऑन दैट नोट, थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।